फ्रेंड्स, स्काई स्ट्रगल एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज है 30 सितंबर 2019। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न एक है कि बिरला फाउंडेशन द्वारा आयोजित वर्ष 2018 का 28वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। ऑप्शन ए है लीलाधर जागुड़ी, बी डॉक्टर के शिवा रेड्डी, सी डॉक्टर मसूद नैयर, डी लक्ष्मीकांत बोस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डॉक्टर के शिवा रेड्डी। यह पुरस्कार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉक्टर के शिवा रेड्डी जी हैं और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं, जो इन्हें प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान किए हैं। डॉक्टर शिवा रेड्डी का जन्म 1943 में हुआ था, 1943 में आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में हुआ। और ये देखिए, ये सरस्वती सम्मान का लोगो है। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। ये देखिए, प्रश्न दो है, विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 27 सितंबर, बी 28 सितंबर, सी 29 सितंबर और डी 30 सितंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 29 सितंबर। ये देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे का लोगो है। और ये महिला देखिए, यहाँ पर हाथ से हार्ट का फिगर बनाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर बढ़ते हुए रोगों की संख्या और पीड़ितों की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में दिल की बीमारी के प्रति जागरूक करना है। इसका थीम है माई हार्ट एंड योर हार्ट। प्रश्न तीन है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत के बाद किस देश में महात्मा गांधी जी की सबसे अधिक स्मारक और प्रतिमाएं लगी है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अमेरिका। ये देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी की यहाँ पर अमेरिका में महात्मा जी के 20 देखिए 20 से ज़्यादा प्रतिमाएं हैं, और 20 दर्जन से ज़्यादा प्रतिमाएं हैं, और 1 दर्जन से ज़्यादा सोसाइटी और संगठन गांधी से जुड़े हुए हैं। साथ ही वाशिंगटन डीसी में मेमोरियल सेंटर, देखिए ये मेमोरियल सेंटर का फिगर है,
और बना है जो अभी भी कार्यरत है। और यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में यहाँ प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। प्रश्न चार है, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है पारुपल्ली कश्यप, बी केंटो मोमोटा और सी, यहाँ पर सी केगो सोनोडा, बी छाउ टियन चेन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा केंटो मोमोटा। ये देखिए केंटो मोमोटा जी हैं, इन्हें एक केंटो मोमोटा चाउ टियन चेन को शिकस्त दी है, चाउ टियन चेन को इन्होंने हराया है और कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। प्रश्न पाँच है, सऊदी अरब भारत में कितने अरब डॉलर निवेश करेगा? यहाँ पर ऑप्शन ए है 50 अरब डॉलर, बी 100 अरब डॉलर, सी 150 अरब डॉलर, डी 200 अरब डॉलर। यहाँ पर 100 अरब डॉलर सऊदी अरब भारत में निवेश करेगा। ये देखिए मैप में यहाँ पर सऊदी अरब है और ये मोहम्मद बिन सलमान हैं, क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, और इन्होंने ही निर्णय लिया है भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। प्रश्न छः है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है ओटिस गिब्सन, बी लांसर क्लूजनर, सी क्विंटन डी कॉक, डी कागिसो रबादा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा लांसर क्लूजनर। ये देखिए लांसर क्लूजनर हैं और इन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है, ये साउथ अफ्रीका के हैं। प्रश्न सेवन है, इनमें से किस सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी ने धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से एक नई वित्तीय घोटाला नीति पेश की है? ऑप्शन ए है फेसबुक, बी ट्विटर, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ ऑप्शन बी होगा ट्विटर। ये देखिए ट्विटर का यहाँ पर लोगो है और इस वित्तीय घोटाला नीति का उपयोग करके धन या निजी वित्तीय जानकारी हासिल करने पर रोक लगाएगा। प्रश्न आठ है, पूर्व हॉकी खिलाड़ी ने हाल ही में भाजपा पार्टी ज्वाइन की है। तो ऑप्शन ए है भारत छेत्री, बी रमन सिंह, सी पीआर श्रीजेश, डी संदीप सिंह। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा संदीप सिंह। संदीप, ये देखिए ये संदीप सिंह हैं जिन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली है। संदीप सिंह को 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न नौ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में कैरिबियन कम्युनिटी को विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 10 मिलियन डॉलर,
बी 7 मिलियन डॉलर, सी 14 मिलियन डॉलर, डी 20 मिलियन डॉलर। यहाँ तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 14 मिलियन डॉलर। ये देखिए यहाँ पर सभी राष्ट्राध्यक्षों के प्रमुख प्रेजेंट हैं। यहाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और ये पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने कैरिबियन को 14 मिलियन डॉलर देने का, आर्थिक सहायता के हेतु देने का निर्णय लिया है। प्रश्न 10 है, हाल ही में जलपोत INS नीलगिरी का जलावतरण किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, बी जितेंद्र सिंह, सी राजनाथ सिंह, डी रामनाथ गोविंद। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राजनाथ सिंह। ये देखिए यहाँ पर राजनाथ सिंह जी हैं और इन्होंने INS नीलगिरी भारतीय नौसेना की 7 नई स्टील्थ क्रिकेट में यह पहली है। देखिए ये जो INS नीलगिरी है यह 7 नई स्टील्थ फ्रिगेट में पहली है जो चकमा देने सहित हथियार और सेंसर जैसी प्रणाली से लैस है।